गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 में लेसन पोइम नंबर 2 एक जगत एक लोक के क्वेश्चन आंसर समझेंगे। उसमें वर्कबुक में पेज नंबर 17 पर क्वेश्चन 4, घर घर में कौन सा मधुर गान गूंज रहा है? तो इसका आंसर है, संसार के सभी मनुष्यों के जीवन में हर्ष हो यानी कि आनंद हो, सब सुहावने रागों में अपना आनंद प्रकट करे। पूरी मानव जाति में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, ऐसी आकांक्षा से भरा हुआ मधुर गान घर घर में गूंज रहा है। अब क्वेश्चन 5, सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी है? तो इसका आंसर है, सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। अब क्वेश्चन 6, प्रगति न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? तो इसका आंसर है, प्रगति न्याय और मानव धर्म के लिए संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अब क्वेश्चन 6, शब्द सारणी है, इसमें एक बॉक्स है, बॉक्स में सभी यहाँ शब्द बहुत सारे लिखे हैं। तो इसमें से आप एक एग्जांपल दिया है बाइबल, बाइबल की तरह हमें यहाँ दूसरे सभी शब्दों पर राउंड करना है। तो ऐसे शब्द ढूंढने हैं, यहाँ लिखा है नीचे उपर्युक्त सारणी में कुछ शब्द दिए गए हैं, सार्थक शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सार्थक शब्द हम ढूंढेंगे यहाँ। तो यहाँ शब्द एक मिल जाता है, महाभारत, महाभारत पर राउंड कीजिए। फिर है पारसी, पारसी पर राउंड कीजिए। फिर है मंदिर, फिर है गुरु ग्रंथ साहिब, फिर है हिंदू, फिर है सिख, उसके बाद रामायण, उसके बाद साईं, इसके बाद मस्जिद, उसके बाद अवेस्ता, उसके बाद मुस्लिम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम महाभारत का वाक्य में प्रयोग करेंगे। लिखिए, महाभारत, यहाँ महाभारत महाकाव्य है। नंबर 1 में महाभारत, महाभारत का वाक्य है महाभारत महाकाव्य है। नंबर 2 पारसी, तो पारसी का वाक्य में प्रयोग करेंगे, पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। नंबर 3 अवेस्ता, तो अवेस्ता का वाक्य में प्रयोग कम करेंगे, अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। नंबर 4 मस्जिद, तो उसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। नंबर 5 हिंदू, तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, हिंदू मंदिर में जाते हैं। नंबर 6 गुरु ग्रंथ साहिब, तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम रखते हैं, अगला पेज हम अगले दिन समझेंगे।